मैं सोनू जी आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी कक्षा 6 का पाठ ए, पेड़ का दर्द। तो चलिए मतलब बच्चों, पहले हम पेड़ का दर्द कविता का कविता किसने लिखी है वो देखेंगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। तो हम इनका पहले कवि परिचय पढ़ेंगे। तो बच्चों हम पढ़ते हैं कवि परिचय। प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा वाराणसी व प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। ये अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, पत्रिका विमान के उप संपादक व पराग के संपादक रहे। मुख्य रूप से इन्होंने कविताएं लिखी। कविता के अतिरिक्त इन्होंने कहानी, नाटककार, नाटक व बायोपिक साहित्य को भी अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। इनकी लोकप्रियता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि तत्कालीन सोवियत संघ के निमंत्रण पर पुश्किन काव्य समारोह में सम्मिलित हुए। 24 सितंबर सन 1983 को 56 वर्ष की आयु में इनका आकस्मिक निधन हो गया। तो बच्चों इनकी अब प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है वो हम जानेंगे। काट की हड्डियां, बांस का पुल, गर्म हवाएं, एक सुनी नाव, काव्य संग्रह, कुछ रंग कुछ गंध, यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत, यात्रा का जो वर्णन किया जाता है उसको यात्रा वृतांत कहते हैं। उड़े हुए रंग, पागल कुत्तों का मसीहा, अंधेरे का अंधेरा, कहानी संग्रह, वह बकरी जो है वो नाटक है। तो इन्होंने ये इनकी कविताएं की रचना इन्होंने की। तो ये इनकी कविता, ये इनका परिचय हो गया और ये इनकी रचनाएं गई। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पेड़ का दर्द कविता। ये पेड़ अपना दर्द बयां कर रहा है। वो पेड़ अब कहाँ आ गया है और वो पहले कहाँ था। तो वो पेड़ अपना दर्द बयां कर रहा है। क्या कहता है पेड़? कुछ धुआं, कुछ लपटे, कुछ कोयले, कुछ राख छोड़ता, चूल्हे में लकड़ी की तरह मैं जल रहा हूँ, मुझे जंगल की याद मत दिला। तो बच्चों कवि कहता है पेड़ के लिए कि पेड़ कहता है मुझे अब चूल्हे में लकड़ी की तरह जलाने लगे हैं। अब लकड़ी जलने के बाद में क्या बनती है? कोयला। कोयला क्या बनता है? राख। तो फिर वो जलने के बाद में राख बनती है। तो इस तरह वो लकड़ी जलती है और वो चाहता है कि अब मुझे जंगल की याद ना दिलाई जाए। उसे याद कर करके वो बहुत बिलखता है, बहुत परेशान होता है। तो कभी कहता है कि जो लकड़ी जलती है, लकड़ी जलने के बाद में लपटे उठती है, लपटे उठने के बाद में वो कोयला बनता है। अब कोयले के बाद में उसकी राख बनती है, राख छोड़ता है वो, और फिर वो जलने के बाद में चूल्हे में लकड़ी की तरह वो जलता है। और वो कहता है कि मुझे ये देखकर बहुत परेशानी होती है, इसलिए मुझे जंगल की याद मत दिलाओ। हरे भरे जंगल की जिसमें मैं संपूर्ण खड़ा था, चिड़िया मुझ पर बैठ चहचहाती थी, हामी मुझसे लिपटी रहती थी और गुलदार उछलकर मुझ पर बैठ जाता था। तो पेड़ अब जलने के बाद में पहले की बातों को याद करके कहता है कि पहले मैं हरे भरे जंगल में सीधा खड़ा था और चिड़ियाएं मुझ पर बैठती थी। चिड़िया जो पक्षी होते हैं वो पेड़ पर अपना निवास बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं। और जो धामिन होती है वो एक सांप की प्रजाति होती है, वो भी पेड़ पर लिपटी रहती थी, वो भी पेड़ पर रहती थी। और गुंदार, गुंदार क्या होता है? जो उत्तराखंड का एक शिकारी जानवर होता है जो कि चीता की तरह पेड़ पर उछलकर बैठ जाता है। तो वो भी उस हरे भरे पेड़ में छाव में बैठता था और पेड़ में सबको छाया देता था, लेकिन उसको क्या किया, उसको काट दिया गया। जंगल की याद अब उन कुल्हाड़ियों की याद रह गई है जो मुझ पर चलती थी उन आरों की तरह। आरों क्या होता है? जो आरे आड़ी होती है काटने की, तो उन आरों की तरह जिन्होंने मेरे
टुकड़े टुकड़े किए थे, मेरी संपूर्णता मुझसे छीन ली थी। तो इसमें कवि कहता है पेड़ के लिए कि पेड़ जंगल, पेड़ को जंगल की याद आती है, और वो कहता है कि अब मुझे कुल्हाड़ियों की याद रह गई है। कुल्हाड़ियां उसको काटती थी, छोटे 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 टुकड़े करती थी, और वो कुल्हाड़ी है जो मुझ पर चलती थी, और आरियों की जिन्होंने, आरी किसका माती है, आरी लकड़ी चीरने की काम आती है, तो आरी के जरिए उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते थे, और मेरी संपूर्णता मतलब कि वो जो सीधा खड़ा था हरा भरा, वो उससे उसकी संपूर्णता उससे छीन ली गई थी। तो इस तरह से वो उसको जंगल को याद करता है। अब बच्चों पेड़ पहले तो जंगल के बारे में याद कर रहा है, अब वो जब जंगल में टुकड़े टुकड़े पेड़ के होने के बाद में जब वो किसी के घर में पहुंच जाता है, तो वो क्या कहता है कि चूल्हे में लकड़ी की तरह अब मैं जल रहा हूँ, बिना यह जाने कि जो हांडी चढ़ी है उसकी खुशबू झूठी है या उससे किसी का पेट भरेगा, आत्मा तृप्त होगी। अब इसमें कवि कहता है लकड़ी के लिए, और लकड़ी कहती है कि लकड़ी की तरह मैं जल रहा हूँ, उसके जो टुकड़े टुकड़े करने के बाद में उसको चूल्हे में जब जलाया जाता है, तब वो इसे यही पता कि जो ये चूल्हे पर हांडी चढ़ी है उसमें जो खुशबू हो रही है, भोजन पकाने के बाद में जो उबलता है ना, खाना पकता है, उसको बोलते हैं खुशबूदार होना, खुशबूदारा। तो जो उसमें हांडी में जो खाना भोजन पक रहा है वो खुशबूदारा है, तो वो कहता है कि क्या इससे किसी का पेट भरेगा या फिर उसकी आत्मा तृप्त होगी, मतलब या तो पेट भरेगा यानी कि या तो पेट भरना और या फिर इससे संतुष्टि मिलना, आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। तो इस तरह से वो पेड़ कह रहा है कि मैं जल रहा हूँ, और जो हांडी चूल्हे के ऊपर छड़ी है और जो उसमें भोजन पक रहा है उसकी खुशबूदाहट से किसी का पेट भरेगा या किसी की आत्मा शांत होगी, तृप्त होगी किसी का आत्मा। बिना यह जाने कि जो चेहरे मेरे सामने है वे मेरी आंख से तमतमा रहे हैं, यानी आंख से लाल होना या गुस्से से, वे मुझे उठाकर चल पड़ेंगे या मुझ पर पानी डाल सो जाएंगे, जंगल की याद मुझे मत दिला। अब ये पेड़ कहता है कि जो मेरे सामने चूल्हे, मेरे सामने जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, यानी कि जो चूल्हे पे जो खाना बना रहा है, वो व्यक्ति के बारे में कहता है कि जो ये आंच पे चूल्हा जलाने के बाद में जब तपत लगती है ना चूल्हे की, तो चूल्हे की तपत से चेहरा लाल हो जाता है, तो लकड़ी कह रही है कि या तो ये मेरी आंच से गर्म हो रहे हैं, लाल हो रहे हैं, या फिर गुस्से से, वो उसे नहीं पता। वो कहते हैं या तो मुझे उठा कर ले जाएंगे या फिर मुझ पर पानी डालकर मुझे ठंडा कर देंगे, और वो कहता है कि इसलिए मुझे जंगल की याद मत दिलाओ। वो उसे जंगल को याद कर करके बहुत परेशान होता है, जंगल की याद उसे मत दिलाओ क्योंकि वो दुखी होता है उसे याद कर करके। अब आगे देखिए, एक एक चिंगारी झड़ती पत्तियां हैं जिनसे अब भी मैं चूम लेना चाहता हूँ इस धरती को जिसमें मेरी जड़ें हैं। अब वो पेड़ समझता है कि जो चूल्हे में जो चिंगारी निकलती है उससे वो झड़ती पत्तियां लगती हैं, जब पतझड़ के मौसम में पत्तियां झड़ती हैं और वो नीचे गिरती हैं, पीली पत्ती गिरती है, हरी गिरती है, लाल गिरती है, तो वो जो पत्तियां गिरती है क्योंकि वो पेड़ की पेड़ तो लंबा हो जाता है, ऊपर चले जाता है, लेकिन उसकी पत्तियां जो नीचे जमीन पे गिरती है, तो वो उसे लगती है कि मैं अपनी धरती को चूमना चाहता हूँ जिसमें मेरी जड़ें थी। तो वो झड़ के जो पत्तियां नीचे गिरी है तो उसको चूमना चाहता है, तो वो पत्तियों जैसी चिंगारी को चूमना चाहता है, उसे चूम लेना चाहता है। तो बच्चों इस तरह से वो पेड़ जंगल को याद कर करके दुखी होता है। तो ये था बच्चों हमारे पेड़ का दर्द। अब पेड़ के भी दर्द होता है क्योंकि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए क्योंकि उसमें भी वो होती है, सजीव की तरह होता है, उसमें भी जान होती है, उन्हें भी दर्द होता है, तो पेड़ को हमें नहीं काटना चाहिए। अगर हम काटते हैं तो उसकी जगह हमें एक और दूसरा पेड़ लगाना चाहिए जिससे हमारे वातावरण, हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध रहे। अगर हम ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी और हमारा वातावरण, जो पर्यावरण है, वो शुद्ध रहेगा।
तो बच्चों आगे हम पढ़ते हैं शब्द बोध। धामी, बहुत तेज दौड़ने वाला एक लंबा सांप। गुलदार, गोल गोल निशान वाली बाघ की एक प्रजाति। बाघ यानी स्मरण। चिंगारी, आग के कण। तमतमाना, चेहरा लाल होना। खुदबुद, हांडी में पक रही खाद्य वस्तु की आवाज। तृप्त यानी संतुष्ट। और ये जो बच्चों शब्दार, अब हम आगे पढ़ेंगे नीचे लिखे शब्दों के प्रयोग के आधार पर दो दो अर्थ स्पष्ट कीजिए। जैसे यहाँ जड़ दे रखे, तो हमें जड़ के दो अर्थ बताने हैं, जैसे कि एक तो निर्जीव और दूसरा होता है पेड़ की जड़। इसी तरह से करेंगे हम आगे जल। अब जल को, जल के दो अर्थ क्या है, एक तो जल को बोलते हैं जलना और एक जल का अर्थ होता है पानी। पर का हो गया लेकिन, और दूसरा हो गया पर यानी पंख। अंबर, अंबर यानी आसमान, और दूसरा अंबर कपड़ों को भी कहते हैं, वस्त्र। डालना यानी कि किसी चीज में डालना, और दूसरा होता है पेड़ की शाखा। तो बच्चों डाल जो है उसके हमें दो अर्थ बताने हैं, एक तो हो गया डालना और दूसरा हो गया पेड़ की शाखा। तो बच्चों अब आगे पढ़ेंगे एक वचन के बहुवचन बनाने के अनेक नियम होते हैं। ये तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ाई है। अब इन नियमों में कहीं या तो कहीं ए लगता है। अब छोटी क्लासेस में हमने बहुवचन को पढ़ ली, अब हम इन्हीं नियम के अनुसार तो या तो या लगाएंगे या फिर ए लगाकर बहुवचन में बदलेंगे। नीचे लिखे शब्दों की वचन बदली। अब यहाँ पे बहुवचन दे रखा है, तो अब कोयले यहाँ दे रखा है, ये है बहुवचन। अब हमें इसको एक वचन में बदलेंगे तो ये हो गया कोयला। तो हाँ, इसमें एक ही मात्रा लगती है, ये बहुवचन है, तो हमें एक वचन बनाने के लिए लिखा यहाँ पे कोयला। इसी तरह से दूसरा व्यक्ति ये चिड़िया, ये है बहुवचन क्योंकि इसमें चंद्रबिंदु लग रहा है, तो ये हो गया बहुवचन। अब हम इसका सिंगल एक वचन लिखेंगे चिड़िया, इसमें चंद्रबिंदु नहीं है। तो हम आगे लिखेंगे अब कुल्हाड़िया। अब ये बहुवचन दे रखा है, तो हमें इसको एक वचन लिखेंगे कुल्हाड़ी। जड़े, पत्तियां, पत्ती, ये बहुवचन है, इसको एक वचन में लिखा। ये जड़ एक वचन है, इसे बहुवचन में लिखा है। ये पत्तियां बहुवचन है, इसे हमने एक वचन में लिखा है। ये है चूल्हा जो कि एक वचन है, अब इसे बहुवचन में लिखेंगे चूल्हे। आरे, ये बहुवचन है, इसको हम लिखेंगे आरी, एक वचन। चेहरे, चेहरा, यह एक वचन। अब आगे लिखेंगे सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण। आधुनिक पद्धति में पंचम वर्ण नासिक्य के स्थान पर अनुस्वार का जाता है। कविता में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। कविता में आया संपूर्ण शब्द। व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि में मैं के बाद व्यंजन आता है, उसी वर्ग का पंचम वर्ण नासिक अथवा अनुस्वार बन जाता है। जैसे कि नीचे लिखे शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। सम, अब यहाँ दे रहा है सम, ये मैं आधा है, सम प्लस कीर्त, तो ये हो जाएगा संकीर्ण, मैं इसमें लुप्त हो जाएगा, संकीर्ण। सम प्लस घर्ष, ये हो गया संघर्ष। सम प्लस बंध, तो ये हो गया संबंध। सम प्लस कल्प, संकल्प। तो ये था बच्चों आज का पाठ।
पेड़ का दर। इसके बाद हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।